How to send document audio location contact और photos videos on WhatsApp। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने WhatsApp पर किसी को भी document audio location contact या फिर कह लीजिए images या फिर videos आप कैसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको खोल लेना है आपका WhatsApp खोल लीजिएगा और खोलने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो वो कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेना है जिस कॉन्टैक्ट पे आप जो है वो सारा चीज़ भेजना चाहते हैं। यहाँ पे आने के बाद में दोस्तों आपको नीचे पे दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकती हो ये जो अटैचमेंट का आपको सिंबल दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर एक पॉपअप आ जाता है जहाँ पर आपको 6 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब यदि आपको डॉक्यूमेंट भेजना है तो डॉक्यूमेंट पर सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर आप चले जाइए आपका फाइल में ब्रोस अदर डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप जो है अपना फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बैक चले जाता हूँ। बैक जाने के बाद में आपको यहाँ पे सारा फाइल्स भी आपको मिल जाता है। जो फाइल आपको भेजना है वो फाइल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपका फाइल यहाँ पे देख सकते हैं सेंड हो चुका है। वैसे ही आपको ऑडियो भेजना है तो ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर कोई भी एक ऑडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर एरो मार्क पर क्लिक करना है। आपका ऑडियो जो है यहाँ पर सेंड हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों अटैचमेंट सिंबल पे क्लिक करके लोकेशन भेजना है तो लोकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना लोकेशन जो है इनेबल करना होगा, उसके लिए कंटिन्यू दबाना होगा और यहाँ पे आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अभी आपका लाइव लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। ठीक है, तो वो लोकेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सेंड योर लोकेशन, यहाँ पर मेरा लोकेशन सर्च हो रहा है तो यहाँ पे जो है मुझे कुछ देर वेट करना होगा। आप देख सकते हो GPS इज डिसेबल, तो यहाँ पे शो लोकेशन सेटिंग्स आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज को ऑन करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन स्टेटस बार आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी आपको लोकेशन सर्विसेज मिल जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है आपका लोकेशन सर्विसेज भी आपको ऑन करना होता है। ठीक है, उसके बाद बैक चले जाइए और यहाँ पर आपका लोकेशन जो है यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा। डिटेक्ट होने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो भी आपका ये नियरेस्ट लोकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे शेयर लाइव लोकेशन पे यदि आप क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये जो एरो बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। अभी ये सेंड करने के बाद में आप देख सकते हैं आपका लाइव लोकेशन जो है वो शेयर हो चुका है। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से अटैचमेंट में क्लिक करना होगा। यदि आपको कॉन्टैक्ट भेजना है तो कॉन्टैक्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जो भी आपका कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई भी एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, आप चाहते हैं तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे ये जो बटन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका कॉन्टैक्ट जो है सेंड हो चुका है। अभी दोस्तों वैसे आप अटैचमेंट सिंबल पे क्लिक कीजिएगा, आप गैलरी पे चले जाइए। गैलरी से आप यहाँ से फ़ोटो वीडियो आप सेंड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर फ़ोटो मैंने सेंड कर दिया, फ़ोटो मैंने सेंड कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद में अटैचमेंट में आपको क्लिक करना है। वैसे ही सेम प्रकार से दोस्तों यदि आप जो है वीडियो सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गैलरी में क्लिक करके यहां से वीडियो सेलेक्ट कीजिए और वीडियो आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप आसानी के साथ अपने व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट ऑडियो लोकेशन कॉन्टैक्ट गैलरी ये सारा कुछ जो है आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।